अगर कोई फुटेज आई वो बाकी है, वो नकली है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि दुनिया को दिखाया जाए और जो मोदी जी के दुश्मन है उनको दिखाया जाए कि हमने सर्कल रखी है। ये कलाकार हैं, आप क्या मानती हैं? ये कलाकार टेररिस्ट हैं, ये कलाकार टेररिस्ट हैं, ये कलाकार टेररिस्ट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफ़साल। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में दिन ब दिन मज़ीद तेज़ी आती जा रही है, इजाफा हो रहा है। भारत की जानिब से अगर हम बात करें तो मकबूज़ा कश्मीर में जो उसके मजालिम हैं कश्मीरी अवाम पर, उसके बाद बौखलाहट इस कदर बढ़ी कि सर्जिकल स्ट्राइक का एक झूठा दावा किया गया और फिर नौबत यहाँ तक आई कि पाकिस्तानी फनकार जो कि भारत में मौजूद थे उन्हें निकल जाने के लिए कहा गया और ये धमकी दे दी गई कि कोई भी मूवी जिसमें पाकिस्तानी अदाकार होगा वहां रिलीज नहीं होने दी जाएगी और जो भारत में प्रोड्यूसर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उन्हें भी मारपीट का निशाना बनाया जाएगा। कुछ धमकियां जो एमएनएस की तरफ से जो कि हिंदू इंतहा पसंद हैं वो क्या दी गई पाकिस्तानी फनकारों को, क्या अल्टीमेटम दिया गया, पहले आपको वो सुनाते हैं। घंटे के अंदर अगर ये पाकिस्तानी कलाकार अपने देश चले नहीं गए तो मन से अपने स्टाइल से इसका उनको बाहर निकाल देगी और ये जो कुछ भी प्रोड्यूसर्स है, प्रोडक्शन हाउसेस है, उनको मैं बोलना चाहूँगा, उनको अगर आप बाहर नहीं भेजते या नहीं निकालते तो मने से स्टाइल आंदोलन होगा। पाकिस्तानी कलाकार तो मार खाएंगे, इसके साथ में जो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है वो उनको भी पीटेंगे। जो भी पिक्चर आगे जिसमें पाकिस्तानी कलाकार है उसको उस पिक्चर को हम रिलीज होने नहीं देंगे। कोई भी प्रोड्यूसर अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर काम शुरू करेगा तो उसकी शूटिंग बंद की जाएगी। क्या हिंदुस्तान में कलाकार नहीं है? हमारे यहाँ पे अच्छे गायक नहीं है, अच्छे सिंगर्स नहीं है, अच्छे म्यूजिशियंस नहीं है, अच्छे कॉमेडियंस नहीं है। हमें जरूरत क्या है पाकिस्तान से यहाँ पे कलाकार लाने की? इसके आगे भी जैसे हम विरोध करते हैं पाकिस्तानी कलाकारों का, वैसे ही विरोध आगे होगा। भारत के अंदर अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ चुका है कि उनके अपने मशहूर अदाकार ओम पुरी साहब ने भारतीय मीडिया का जो किरदार रहा है इस पूरी सूरत हाल में, जब उसको क्रिटिसाइज़ किया, जिस तरीके से भारतीय एंकर्स जो हैं वो सवालात उठाते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि मामला किसी तरीके से मज़ीद बढ़े बजाय इसके कि उसको कम करने की, उसकी शिद्दत में कमी लाने की कोशिश की जाए, तो उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको सुनाएंगे, जिसके बाद उन पर गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज किया गया और इस मामले को इस नहज तक लेकर आया गया कि ओम पुरी साहब को माजरत करनी पड़ी अपने बयान पे। वो क्लिप आपको दिखाते हैं। उरी को क्रिटिसाइज करो, बारामूला को क्रिटिसाइज करो, कल एक जवान मारा गया 24 साल का लड़का, इटावा का लड़का 24 साल का मार दिया गया गोली से, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ तो कौन जिम्मेदार है पुरी साहब? हमने उसको फोर्स किया था कि फौज में जाओ। मेरा बाप फौज में था, उसका नंबर था 1952-87। अरे आप फिल्म फेटर्निटी के लोग तो बॉयकॉट कर सकते हैं कि हम नहीं काम करेंगे, क्यों फिल्म फेटर्निटी कहने में एक आवाज में कह पाती क्यों, है क्यों? मैं मजदूर आदमी हूं, मैं काम करूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप चाहते हो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इजराइल और पैलेस्टाइन बने? हम आपको एक अच्छा कलाकार समझते थे, आपने तो पूरे देश की नाक खिंचवा दी। आप अच्छे कलाकार थे लेकिन आप एक गंदे इंसान हैं। आप जैसा घटिया इंसान हम लोगों की गर्दन को झुकाता है, हमारे सर को झुकाता है और आप जैसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। आपको अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत। मैं 20 सेकंड में जवाब दूंगा आपको। आप यहाँ 10, 15, 20, 25 जितने भी हिंदुस्तानी तैयार कर सकते हैं जो अपने शरीर पे बम बांध के पाकिस्तान में जाके कुछ उड़ा फुड़ा के आए तो उन्हें तैयार कर दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत क्या जवाब दिया पुरी साहब? क्या
ये वो क्लिप था, ये वो बयान था जिसके बाद ओम पुरी पर गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज हुआ और साथ ही साथ उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी। उन पर दबाव जो है वो इस कदर बढ़ा दिया गया था। कांग्रेस के मेंबरान ने जब सवालात उठाए मोदी सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक्स के झूठे दावे पर, तो उस पर भी बहुत कुछ सुनने को मिला। राहुल गांधी ने क्रिटिसाइज़ किया। इसके अलावा वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बयान आया कि सबूत दिखाए जाएँ, शवाहद दिखाए जाएँ कि पाकिस्तान पर वाकई सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। और उसके बाद संजय निरुपम जो कि कांग्रेस के मेंबर हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर पाकिस्तान भी सवाल उठा रहा है और पाकिस्तान आपके इस झूठे दावे को मुस्तरद कर रहा है तो भारतीय आवाम की तसल्ली के लिए शवाहद दिखाए जाएं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो सर्जिकल स्ट्राइक का दावा है वो फेक लग रहा है। वो भी जरा क्लिप देखिए। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है और तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन वायलेशन तो कर ही रही, ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो कर ही रही है, लेकिन भारत के अंदर भी ये तमाम चीज़ें हैं। और इस पर भारतीय सहाफ़ी ने मोदी को इन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का एक्टर भी करार दिया, डायरेक्टर भी करार दिया और प्रोड्यूसर भी करार दिया। ये भी सुनिए। मिस्टर मोदीज बीजेपी पार्टी इज एन एक्टर, आई वुड लाइक टू मेक अ स्मॉल अमेंड टू दैट एंड आई वुड से इट इज द डायरेक्टर एंड नॉट जस्ट द एक्टर। It is the producer of human rights violations in India. It is the director of human rights violations in India because it springs from an organization which is fundamentally racist, human rights, an organization that has indulged in human rights abuses and violence for nearly 90 years. मोदी सरकार की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ भारत के अपने अंदर से ही बहुत सारी आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं, चाहे वो सहाफ़त से वाबस्ता लोग हों, चाहे उनके मीडिया से वाबस्ता लोग हों। और इसी तरीके से भारत में एक मुशायरे के दौरान वो तमाम चीज़ें की गईं, कही गईं उस मुशायरे के अंदर जो हम आपको सुनाएंगे। जिस तरीके से मोदी का एतराफ़, एक तो बांग्लादेश की सरजमीन पर कि पाकिस्तान तोड़ने का एतराफ़ किया और फिर लाल किला में जो तकरीर की वहाँ पर भी जिस तरीके से पाकिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया, उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये उस मुशायरे का एक छोटा सा क्लिप देखिए। सूरज लहू लुहान बड़ा है चाहत का, साहब रोशनदान की बातें करते हैं, साहब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है। अब दुआएं देना इमरान को, कश्मीर संभाले नहीं संभलता है और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। मोदी सरकार को उनके अपने आवाम तो पैगाम दे ही रहे हैं, लेकिन वहां से जिस अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया गया हमारे पाकिस्तानी फनकारों के हवाले से, उसके बाद डेफिनेटली यहां पर भी गम गुस्सा है। और आवाम का मुतालबा ये है कि जो हमारे चैनल्स पर भारतीय मवाद दिखाया जाता है उसको भी बंद होना चाहिए। इसी हवाले से पेमरा ने एक तो जो इंडियन चैनल्स हैं जो DTH पाकिस्तान में है, यानी डायरेक्ट टू होम सर्विस है, उस पर भी पाबंदी लगाई है, उसको कर दिया है। और अफसार आलम साहब जो कि पेमरा के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से इंकशाफ भी किया गया कि ओवर 3 मिलियन DTH कंज्यूमर्स जो हैं हमारे मुल्क में मौजूद हैं। और ये तमाम जो इलीगल ट्रांसफर हुआ था फंड्स का, उस हवाले से भी क्रैक डाउन जो है वो किया जा रहा है इन तमाम चीजों पर। और पेमरा की तरफ से एक और भी नोटिस आया है जिसमें ये बात की गई है कि 15 अक्टूबर 2016 की डेडलाइन है और जिसके बाद जो भारतीय मवाद है वो नहीं नज़र आना चाहिए पाकिस्तानी चैनल्स पर। और पेमरा की ही एक और प्रेस रिलीज़ के अंदर ये बात की गई है कि पाकिस्तान में इंडियन टीवी चैनल्स और इंडियन मवाद बराबरी के हुकूक की बुनियाद पर चलेंगे, कि अगर भारत दिखाएगा तो पाकिस्तान उतना ही एयर टाइम जो है वो इंडियन मवाद को देगा। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और हमारी जो फनकार हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा है और जो रवैया रखा जा रहा है इस पर हमारे लोग जो हैं वो क्या राय रखते हैं। पहले मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं।
यूसुफ सलाहुद्दीन साहब लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रिनाउंड सोशलाइट हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, एक्स पॉलिटिशियन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ सलाहुद्दीन साहब आपकी तशरीफ आवरी का। सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में, रिनाउंड सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं। सलमान आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और हमारे साथ नदीम मांडवी वाला साहब भी कराची से मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। मांडवी वाला साहब आपको भी खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और आशर अजीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे, टीवी एंड फिल्म डायरेक्टर हैं, खुद एक्टर भी हैं। आशर को भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आशर अजीम साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आशर साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से माजी में भी हमने देखा है कि हमारे फनकारों को, हमारे सिंगर्स को धमकियां मिलती रही हैं भारत की जानिब से, किसी का विजिट होता है, टूर होता है तो उससे पहले ही धमका दिया जाता है वहां के इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से, इस बार आपको फर्क क्या लगता है? क्या वाकई में जिस नहज तक हालात चले गए हैं गैर मामूली हालात हैं या माजी में भी इसकी मिसालें मिलती हैं? मेरा ख्याल यह है जी कि इनिशियली जब फहद को वो एक अननोन से जर्नलिस्ट ने एक बात की थी और दूसरा एक रिलेटिवली अननोन पॉलिटिकल तंजीम ने एक बात की थी, तो दैट वाज वेरी सिमिलर टू व्हाट हैज बीन हैपनिंग अर्लियर। दिस टाइम अब आप देखिए कि उसके बाद उनकी जो फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है वो उसने जाके भी ये बात की कि जी हम पाकिस्तानी एक्टर्स को नहीं रखेंगे। So earlier I was not that concerned because in a country of 1 billion people, you know, जब भी हालात खराब होते हैं तो जो extremist minority view होता है, they try to add fuel to fire. So it's not that important. लेकिन जब उनके responsible लोग ये बातें करना शुरू कर दें या अदारा या state ये बातें करना शुरू कर दें तो तब problem होती है। अब जो producers association है वो obviously एक इदारा है और so now it is of concern and we have to take it seriously. वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। नदीम मांडवी वाला साहब, ये बताइएगा कि जाहिर है गम गुस्सा है, वहाँ तो झूठे दावे भी हो रहे हैं और फिर ऊपर से ज़ोर ज़बरदस्ती भी की जा रही है कि जी ये मूवी यहाँ पर रिलीज़ नहीं होगी, जिसमें भी कोई पाकिस्तानी अदाकार है। हमारे ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो शूटिंग अधूरी छोड़ के पाकिस्तान, जिनको वापस आना पड़ा है। अब इंडियन फिल्म्स को तो हमने पाकिस्तानी सिनेमाज़ में बैन कर दिया है, बंद कर दिया है, पाबंदी लगा दी है, जो कि एक बड़ा अच्छा इकदाम इस वक्त के लिए तसव्वुर किया जा रहा है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ओवरऑल क्या सिचुएशन बनती क्या नजर आ रही है हमारे फनकारों के लिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आर्ट के लिए, हमारे उन लोगों के लिए जिन्हें हम मुल्क का सफीर कहते हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ी सी इसमें कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि वो तो फिलहाल तो इंडिया का मीडिया तो बिल्कुल पागल हुआ हुआ है और उस पागलपने में वो हर किसी को विक्टिमाइज किए चले जा रहे हैं और अपने आप को इतना ज़्यादा इन्फोर्स कर रहे हैं कि वो ओपिनियन नहीं पूछ रहे। जिस तरह अभी आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया है हम सबको और हमसे एक ओपिनियन लिया जा रहा है, वो ओपिनियन नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं कि ये बोलो, जो हम आपको कह रहे हैं वो बोलो। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। कि हर आदमी का राइट है कि वो अपना ओपिनियन दे। और ये जो हमने जो सिनेमा वालों ने जो मिल के ये जवाब दिया था, ये जवाब हमारे लिए देना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि उनकी एक ट्रेड बॉडी जो फिल्म से रिलेटेड है उन्होंने इसको इंडोर्स किया था। अगर वो इंडोर्स नहीं करते तो ये फैक्शंस, एक्सट्रीम फैक्शंस वहाँ पर भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं, ये बोलते रहते हैं, वो ठीक है, वो सब अपनी जगह चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं कि हर आदमी का राइट है कि वो जो बोलना चाहे वो बोले। लेकिन जब ट्रेड बॉडी आपकी वो चीज़ को इंडोर्स करेगी और रेजोल्यूशन पास करेगी तो हम फिर हमारे लिए चुप रहना भी बिल्कुल गलत हो जाता कि हम बिल्कुल चुप रहते, जिसकी वजह से हमने वो गलती नहीं की जो उन्होंने की थी। उन्होंने ये रेजोल्यूशन एक एसोसिएशन से पास किया, हमारे यहाँ हमने ना हमने बैन का लफ्ज़ यूज़ किया ना हमने किसी एसोसिएशन को यूज़ किया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एसोसिएशंस का काम ये नहीं है कि वो चीज़ों को बर्बाद करे। एसोसिएशंस का काम होता है वो चीज़ों को इम्प्रूव करे, ट्रेड को इम्प्रूव करे।
और उसके बरक्स उन्होंने बिल्कुल वो गलत स्टेप उठाया था, जिसकी वजह से यहाँ मेजर स्टेक होल्डर्स ने मिलकर ये फैसला किया था कि वक्तन हमें जवाब देना बहुत ज़रूरी है जो हमने उस वक्त दिया है। और वो जहाँ उनकी बात चली सारी दुनिया के अंदर, वहीं हमारी बात चली कि जी वो जवाब, क्योंकि उनकी ट्रेड बॉडी ने ये बात की थी, वही ट्रेड बॉडी इनके यहाँ से भी कुछ लोगों ने मिलकर ये जवाब उनको वापस दे दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जहाँ तक बैन, इजाज़त देना, इजाज़त रोकना, ये किसी एसोसिएशन का एम्बिट नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट्स का एम्बिट होता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि बैन करेगी या इजाज़त देगी, और हमारा मौका भी यही है कि हमारी तरफ से कोई बैन नहीं है, ये एक सस्पेंशन है, और ये सस्पेंशन सिर्फ इस बात को उनको रियलाइज करवाने के लिए था कि आपने ये गलत फैसला, आप उनके एक फैसले से आप खुद ही देख लीजिए। सही है, यानी मुकम्मल तौर पर खामोशी इस वक्त नहीं हो सकती थी, लिहाजा आपने ठीक कहा कि बैन नहीं है, इसको बैन ना कहा जाए लेकिन सस्पेंशन जरूर कहा जाए। यूसुफ सलाहुद्दीन साहब की जानिब जाना चाहूंगी, जिस तरीके से मीडिया के हवाले से, भारतीय मीडिया के हवाले से बात हुई कि वो आपका ओपिनियन जानने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपना ओपिनियन जो है वो आप पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, और वो चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं, जो आप सही समझ रहे हैं, वो आप हमारे मेहमान जो है वो भी बात करें, जितना जिंगोइज्म वहां आपको नजर आता है, डेफिनेटली वो पाकिस्तानी मीडिया पर या हमारे टॉक शोज के अंदर नजर नहीं आता है। ये तमाम इकदामात क्या सही सेम्प में की तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरीके से बैन करने के इकदामात हैं या सस्पेंशन उसको कह लें, और दूसरा ये जो पेमरा की तरफ से प्रेस रिलीज जिसका मैंने जिक्र भी किया, और उसमें एक और जुमला भी लिखा हुआ है कि जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से गैर मुनसिफाना पॉलिसी जिसका सरासर नुकसान जो है पाकिस्तान के आर्ट, म्यूज़िक, फिल्म, ड्रामा और कल्चर को हो रहा था, उसको ख़त्म करने का मुत्तफ़िका और तारीखी फ़ैसला कर लिया गया है, दुरुस्त इकदाम है? देखिए बिल्कुल, यहाँ मैं अर्ज़ करूँ कि हेलो 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 साउंड जी जी, यूसुफ सलाहुद्दीन साहब आपकी आवाज़ आ रही है, हेलो आ रही है, अच्छा जी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बिल्कुल ये इकदाम तो देखें, आप हिंदुस्तान का मीडिया, आप खुद ये भी कह रही थी, मैंने भी थोड़ा सा मुझे चांस हुआ देखने का कि जब वो दो तीन प्रोग्राम्स में उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी इनवाइट किया, हमारे और भी लोगों को, लेकिन बिल्कुल सही, वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, ना अपने की ना किसी और की। अब बात यह है कि उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट आपके ख़िलाफ़ बनाया हुआ है, इट्स नॉट जस्ट फिल्म और ये बाकी सारी चीज़ें तो बड़ी मीनिंगलेस और छोटी चीज़ें हैं। एक उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, उन्होंने पहले अपने लोगों को कन्विंस किया, फिर सारी दुनिया को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट आप स्टेट डिक्लेयर करो, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। अब इस वक्त आई टोटली अग्री विद मांडीवाला साहब कि ये होता गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि उन्होंने क्या फैसला करना है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो भी हुकूमत फैसला करती है हमें बिल्कुल उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये मैं कहूँगा कि गिला मुझे आज आपने बताया कि जी पैमरा ने ये कर दिया, पैमरा ने, ये पैमरा जो है ये पिछले कितने सालों से सो रही थी, इनके इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, ये जितने इंडिपेंडेंट जो क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट चैनल्स है, जो गंद चला रहे थे, जो गलत हिस्ट्री के प्रोग्राम्स दिखा रहे थे, और जिस तरीके से हमारी आइडेंटिटी को, हमारी शनाख्त को, हमारी आइडियोलॉजी को अटैक करते थे, उनको नज़र नहीं आता था। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का कौन सा चैनल वहाँ चलता है, कोई एक चैनल नहीं चलता, एक चैनल जिंदगी टीवी पे आपके ड्रामे चलते हैं, उन ड्रामों में भी ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि वहाँ के जी के कहीं नहीं। ये सवाल तो आपका वैलिड है कि इतने अरसे से जो चीजें हो रही थी, और ये तो पेमरा के चेयरमैन ने खुद ये बात कर दी है कि क्रैकडाउन का आगाज अब किया गया है, जो डीटीएच सर्विसेज के लिए पाकिस्तान से इंडिया इलीगल फंड्स जा रहे थे। जी मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। जो हमारे प्लेस चलते भी हैं वहाँ, जो हमारे प्लेस वहाँ चलते भी हैं, उनमें ना डायरेक्टर का नाम, ना एक्टर का नाम, ना किसी चीज़ का नाम नहीं स्वाय प्ले के, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। आप जहाँ दुनिया भर से हमारे यहाँ भी चलते हैं, क्या कहते हैं जो जितने भी प्रोग्राम्स इंडिया के चलते हैं, लेकिन उसमें जो क्रेडिट्स होते हैं जिन लोगों ने बनाया हुआ था उनका, सो बेसिकली मैं समझता हूँ कि वी शुड गो मूव टिट फॉर टैट।
अगर वो नहीं करते हमें भी नहीं करना चाहिए, वो करें हमें भी, बिल्कुल सही है। टिट फॉर टैट के अगर वहां पे आपको नहीं दिखाया जाता आपके मूवीज को, आपके ड्रामों को, आपके तमाम चीजों को, आपके सॉन्ग्स को, जो तमाम कुछ भी पाकिस्तानी मीडिया में हमारे फनकार कर रहे हैं वो नहीं दिखाया जाता, तो आप उन्हें क्यों दिखाते हैं? और यूसुफ सलाहुद्दीन साहब के हवाले से तो जाहिर है जब भी भारतीय फनकार यहाँ आते हैं तो आपकी तो रिहाइश गाह पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, हम जितनी उनकी इज्जत और जितना प्यार उन्हें देते हैं वो जाहिर है हमारे फनकारों को वहाँ नहीं मिल रहा। एक ब्रेक में इसी नोट पे लेकर वापस आएंगे तो सलमान अहमद से पूछेंगे कि हमें वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि इस वक्त अवाम में जो गम गुस्सा है ये सवाल भी बुनियादी अवाम की जानिब से उठाया जा रहा है कि हमारे फनकार फिर वहाँ पर जाते क्यों हैं? एक पड़ोसी मुल्क ही सही लेकिन दुश्मन मुल्क है, और जब वो ऐसे हथकंडे हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है तो हम वहाँ जाते क्यों हैं? सलमान के आगे सवाल रखेंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में, एक बार फिर से खुश आमदीद। सलमान अहमद साहब की जानिब जाएंगे। एक तरफ तो सलमान साहब ये बात की जाती है कि जी फनकार की या फ़न की कोई सरहद नहीं होती है, लेकिन जब इन हालात में जो कि गैर मामूली हालात हों, जब एक दुश्मन मुल्क जो है वो जारहाना रवैया अपनाए हुए है, आपको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करने पर तुला हुआ है, आपके LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग हर दूसरे रोज़ हो रही होती है, तो ऐसे में क्या वाकई में हमारे फनकारों को बॉलीवुड की ज़रूरत है? ऑलरेडी स्टार्स हैं, ऑलरेडी सेलिब्रिटीज़ हैं, वहाँ जाते क्यों हैं? तो ये सवाल तो आवाम के जहनों में है, आप क्या कहेंगे इस पे? सादिया आपका बहुत अच्छा सवाल है, और पहले तो मैं ये कहता चलूं कि मैं पिछले 18 साल से हिंदुस्तान जाता रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान फिर चुका हूं, बल्कि वाहिद पाकिस्तानी आर्टिस्ट और जुनून ग्रुप वाहिद पाकिस्तानी बैंड है जो श्रीनगर में जाके कॉन्सर्ट 10,000 कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए हमने श्रीनगर में किया था। तो वो आने जाने का आपका मैं जवाब इसलिए ये दे रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे जाने से मैंने क्या देखा, हमारे जाने से मैंने ये देखा कि जो अवाम है हिंदुस्तान की वो म्यूज़िक फिल्म क्रिकेट के शिदाई हैं, और जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ जाते हैं वो उनके हार्ट्स और माइंड्स को रूल करते हैं हिंदुस्तान में जाके। अच्छा, अब इसका फॉल आउट क्या है कि उनके जो इंतहा पसंद हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि वो पेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान को एक बहुत नैरो तरीके से कि ये एक इंतहा पसंद मुल्क है, दहशतगर्द मुल्क है, लेकिन जब हमारे यहाँ से खिलाड़ी जाते हैं, फनकार जाते हैं, एक्टर्स जाते हैं तो वो उसका तोड़ देते हैं इमेज पूरा जो है। ये तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन अब जो आपने सवाल पूछा है कि अगर जिस तरह जिस बदतमीजी से राहत फतेह अली खान को, वसीम अकरम को, शुएब को, खुर्शीद कसूरी साहब की बुक की साइनिंग पे उन पे इंक फेंकी गई उनके जो ऑर्गेनाइजर थे, और इसी तरह करके ये जो अभी हमारे आर्टिस्ट जो हैं जो फिल्मों में काम कर रहे हैं उनको जिस बदतमीजी से और डिसरिस्पेक्ट से इनके इंतहा पसंद ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हमें एक देखें खुद मुख्तार कौम है पाकिस्तान, मैं चाहता हूँ अमन चाहता हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, लेकिन वो कहते हैं फ्रेंड्स नॉट स्लेव्स। अगर आप दोस्ती के साथ रहना चाहते हैं तो हम अपना हाथ बढ़ाएंगे आपको, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप डांट टपट के, और मैं इसका एक और भी आपको चीज बताऊं, नवाज शरीफ को मिलने आए मोदी साहब शादी पे, उनकी पोती की शादी पे आए, और इन्होंने फिर उनकी वालदा को एक वो दी, साड़ी दी या पता नहीं शॉल दी। अब मुझे बताएं इतनी दोस्ती लीडर्स के दरमियान, इतनी दोस्ती हो कि आप घर बगैर वीजा लिए आप घर आ सकते हैं, और फिर जब आपके फनकारों को और खिलाड़ियों को जब ऐसी धमकियां आई, ना नवाज शरीफ साहब की तरफ से चू आई, ना मोदी साहब की तरफ से चू आई, तो ये क्या है? ये क्या एक अकलौती किस्म की दोस्ती है? ये दोनों लीडर्स हैं, एंड आई थिंक कि हमारी लीडरशिप ने भी लेट डाउन किया हमारे आर्टिस्टों को, और इंडिया की भी लीडरशिप ने लेट डाउन किया हमारे आर्टिस्टों को, लेट डाउन किया। ठीक है, ये भी बुनियादी सवाल है कि भाई फिर हुकूमतों की जानिब से कोई रद्द अमल क्यों नहीं आया जब आपके फनकारों की इस अंदाज में तजलील की जा रही थी। आशिर अजीम साहब, एक और ये जो अभी पेमरा के प्रेस रिलीज का मैं जिक्र कर रही थी जिसमें कहा गया कि पाकिस्तानी TV चैनल्स पर इंडियन मवाद जो है वो फिर बराबरी के बुनियाद पर चलेगा, अगर इंडियन मीडिया दिखा रहा है तो आप भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें जिस पॉलिसी का और फिर उसको जनरल मुशर्रफ साहब के
دور سے منسوب کیا گیا کہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کے آرٹ کو ہوا، میوزک کو ہوا، فلم کو ہوا، ڈرامہ کو ہوا، کلچر کو ہوا. ڈو یو اگری وتھ دس کہ واقعی میں انڈین مواد اتنا زیادہ ہمارے چینلز پر دکھائے جانے لگا تھا اور ابھی بھی ہے، اور یوسف صاحب نے کہا بھی درست کہا کہ پہلے کیوں ایکشن نہیں لیا گیا، تو واقعی اس کا نقصان ہمیں ہوا ہے؟ سعدیہ بالکل، یہ دیکھیے ایوری چیلنج برنگز این اپرچونٹی ٹو. فلم انڈسٹری جو ہے اس میں چار میجر کمپوننٹ ہیں. صرف اگر پروڈیوسر کا انٹرسٹ نہیں دیکھا جا سکتا، صرف سینما کا انٹرسٹ نہیں دیکھا جا سکتا، صرف ڈسٹریبیوٹر کا انٹرسٹ نہیں دیکھا جا سکتا، اور چوتھا ویور بھی ہے. ہمیں ایک ایسی فلم پالیسی بنانی پڑے گی جس میں سینماز کا بھی انٹرسٹ کا ہم خیال رکھیں، اٹس ا کیپٹل انٹینسیو انڈسٹری اینڈ آف کورس دے ہیو ٹو بریک ایون اینڈ پروڈکشنز بھی. بٹ پلیز انڈرسٹینڈ سم تھنگ، آپ کے کانٹینٹ کو اگر آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ ہی اویلیبل نہیں ہوگی تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے اور آپ کی انڈسٹری نہیں بڑھے گی. انفارچونیٹلی فارن کانٹینٹ کو ہم نے اتنا زیادہ کھول دیا اس ملک میں کہ ہم نے اپنے کانٹینٹ کو تباہ کر دیا، ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے تھے ان کے ساتھ. آج بالی ووڈ کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے، لیکن اگر بالی ووڈ کی فلموں کو انڈیا میں ہی جگہ نہ ملے تو بالی ووڈ کی انڈسٹری اگلے 2-3 سال میں تباہ ہو جائے گی. صحیح، اسی طرح ہالی ووڈ بھی تباہ ہو جائے گا. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو کم اپ ود ٹیکسیشن ایشوز، کیونکہ سینماز کو وی مسٹ گیو دیم ریلیف آن ٹیکسز رائٹ ناؤ. We must give them سعودیہ اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمیں فورن کانٹینٹ کی امپورٹس پہ ٹیرفز ہائر ہونے چاہیے. اینڈ اور جو ہمارے آرٹسٹ باہر جا رہے ہیں نا جی، ہمارے آرٹسٹ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کی بڑی انڈسٹری ہے. اگر ہم اپنی انڈسٹری کو یہاں ڈیولپ کر لیں، اپنے پروڈکشن کو یہاں ڈیولپ کر لیں، تو وہاں سے یہاں لوگ آنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، اسی نقطے پہ ندیم مانوی والا صاحب، یہ جو بات ابھی کی آشر صاحب نے بہت اہم بات ہے کہ آپ کے اپنے کانٹینٹ کو، آپ کے اپنے مواد کو جو یہاں آپ کے یہاں بنایا جا رہا ہے، اس کو ڈومیسٹک مارکیٹ ہی اویلیبل نہیں ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں ہم اپنے ہی آرٹ کے ساتھ، ہم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں اپنی ہی چیزوں کے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں، اور پھر دوسرے ملک سے آئی ہوئی چیزوں کو ہم زیادہ ترجیحی بنیادوں پر دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. آشف صاحب نے اور یوسف صاحب نے ایک بات کہی کہ پیمرا نے آج کیوں کہا. یہ پالیسی میں پیمرا آرڈیننس کے اندر پہلے دن سے لکھا گیا تھا کہ 10% انٹرنیشنل کنٹینٹ چلے گا. امپلیمنٹیشن ریگولیٹری باڈی نے نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ پرابلمس کریٹ ہوئے ہیں. اگر وہ اس لاء کو پہلے دن سے امپلیمنٹ کر دیتے تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے یہ جو آج پرابلم آیا ہے وہ آپ کو فیس نہ کرنا پڑتا. جو آج آپ فیس کرنے چلیں اور آج آپ شور بچا رہے ہیں کہ جی وہ امبیلنس ہو گیا، وہ دیکھیے بیلنس کریٹ کرنا ہمارا کام ہے. 2006 کے اندر فلم کا پورا انفراسٹرکچر اس ملک میں ختم ہو گیا، نہ آپ کے پاس سنیما بچے، نہ آپ کے پاس پروڈکشن بچی. اب آپ نے اس کو دوبارہ ریبلڈ کرنا تھا، اس کا کیا طریقہ تھا؟ کہاں سے آپ ریبلڈ کرتے؟ آپ سنیما تو بنا لیتے، چلاتے کیا اس کے اندر؟ سو آپ کو سہارا امپورٹڈ پروڈکٹ پہ ہی لینا پڑا، وہی امپورٹڈ پروڈکٹ. یا آپ کو ایک جواب دینا چاہ رہا ہوں، جیسے جیسے اچھا میں آتی ہوں آپ کی جانب. جی مانوی والا صاحب مکمل کر لیجئے بات آپ. جی جیسے جیسے آپ بڑھتے جا رہے ہیں، 2013 کے اندر آپ کے سنیما اتنے بن گئے کہ ایک پکچر نے آ کے پورے پاکستان میں اٹ واز این آئی اوپنر کہ پاکستان کے اندر سنیماؤں کے اندر اتنا بڑا بزنس ہو سکتا ہے، تو ہم پچھنے بنانا شروع کریں. سو آٹومیٹکلی 2013 سے لے کے 2015 کے اندر ایک اور پکچر آ گئی جس نے ایک اور آئی اوپنر بن گئی. سو یہی انسینٹیوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہاں چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. سنیماؤں کا اس کے اندر کیا رول ہے؟ سنیما تو بن ہی رہے ہیں لیکن ان کے پاس باہر کا پروڈکٹ بھی ہے. سنیماؤں کا سب سے بڑا سپورٹ اور رول یہی ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستانی پکچر آتی ہے کوئی اور اس کی پبلک ڈیمانڈ ہے، کیونکہ اٹ از اے کمرشل بزنس، آپ کو اس کو بھی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ وہ کمرشل بزنس نہیں ہے، لیکن اگر اس کی ڈیمانڈ ہے تو پھر سب کو پیچھے کر دیں، پاکستانی کو آگے لے آئیں.
और इसके अंदर एक बहुत बड़ी लॉजिक है, यानी ऑब्वियसली कमर्शियल एस्पेक्ट भी उसका मद्देनजर आपको रखना है, लेकिन जब हालात वाकई में ऐसे हो जाएं कि जहां पर आपके आर्टिस्ट को धमकी दी जा रही हो, बल्कि आपके पूरे मुल्क पर जो है वो वहां इतना ज्यादा उनका मीडिया वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा हो कि जंग की बातें हों और पता नहीं दहशतगर्द रियासत और क्या कुछ कहा जा रहा हो, सलमान आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? जी मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूं कि देखें इसका एक तो सकाफती पहलू है जिसपे मेरे दोस्त बहुत अच्छी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इसका सियासी पहलू भी है। देखें मैंने ना जब मैं 98 में पहली दफा इंडिया गया तो इनकी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए और उनके इंतहा पसंद जिस तरह अभी शोर मचा रहे हैं बिल्कुल उसी तरह शोर मचाना उन्होंने शुरू कर दिया। ये एक बड़ी प्लान, देखें इस वक्त ये मुझे कहना पड़ेगा कि ये जो फोकस आ गया ना आर्टिस्टों पे, ये इसलिए आया है क्योंकि कश्मीर के अंदर पिछले 3 महीने से कत्लेआम हो रहा है, छर्रों से उनके बच्चों की जो आंखें हैं वो शटर कर दी गई हैं, सारी दुनिया का फोकस वहां था, इन्होंने वो चेंज करके कर दिया जी कि ये हमारे जो है दहशतगर्दी हो गई और इनके फनकारों को निकालें। इसी तरह हमारे जो लीडर्स हैं नवाज शरीफ साहब, इनके ऊपर पैनामा लीक्स का है जोर सारा, वो उससे हटा के कश्मीर पे लेकर जाना चाह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, हम ये नहीं कह सकते जी हम तो फनकार हैं तो हम सो यू आर सेइंग कि इसका जो सियासी पहलू है दैट करनी चाहिए ये बात और उसको भी सामने रखना चाहिए कि किन चीजों से नजर हटाने की कोशिश की जा रही है। मैं एक ब्रेक ले लूं इसी और ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। यूसुफ सलाउद्दीन साहब, जिस तरीके से सलमान ने बात की ब्रेक पे जाने से पहले कि इसका एक सियासी पहलू भी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और हुकूमतें क्यों खामोश हैं अगर आपके फनकारों के साथ इस कदर गलत रवैया जो है वो रखा जा रहा है और उनकी तस्दील की जा रही है, बट कमिंग बैक टू रूइनिंग आर कल्चर थिंग कि हम उनका मीडिया दिखा रहे हैं, उनका मवाद दिखा रहे हैं। एक मिसाल दे के आपसे सवाल करूंगी कि जिस तरीके से हम चले उनके जो ड्रामे और मूवीज़ हैं वो तो अपनी जगह, बट हमारा नेशनल ज्योग्राफिक या फिर हिस्ट्री डिस्कवरी इस किस्म के चैनल्स जो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स डॉक्यूमेंट्रीज जहां पर चल रही होती हैं वहां पे भी हम इंडियन स्ट्रीम ले रहे होते हैं, क्यों आपको क्या लगता है कि ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं, इतना ज़्यादा तरजीही बुनियादों पर क्यों इंडियन मवाद दिखाया जाता है? देखें मैं तो समझता हूँ कि फिर मुझे कहना पड़ेगा कि फिर दोनों ही चोर हैं, इजाज़त देने वाले भी और चलाने वाले भी। अगर 10% है तो क्या 10% हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं आपको यहाँ ये अर्ज़ करूँ कि मैं सलमान की बात, उसने एक बहुत अच्छी बात सलमान ने की, मैं कुछ सियासत में नहीं जाना चाहता क्योंकि इट इज़ वी आर नॉट टॉकिंग पॉलिटिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली अनदर थिंग। तो मैं आपको ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सलमान ने ठीक कहा कि जब भी वो, आजकल का जो ज़माना है वो मीडिया का ज़माना है, आप किस तरह किसी नेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मीडिया के ज़रिए। तो जब उनका मीडिया जो है वो एक हिंदुस्तान की एक पिक्चर दिखा रहा है कि जो शायद हिंदुस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना ये लोग हैं वहाँ, ना ये रहन सहन है वहाँ, ना कोई ऐसी चीज़ है, बट दे आर स्टिल शोइंग इट। तो हमें भी फिर इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, जो भी कोई चेयरमैन हो पैमरा का या जो भी कोई ये लोग जो आपके जो जो हुकूमत के जो लोग हैं जिन्होंने फैसले करने हैं, दे शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग इन टूडेज वर्ल्ड एंड दे मस्ट बी अप टू डेट। अगर हमारे चैनल्स वहाँ, वो क्यों नहीं चलाते हमारे चैनल्स? इसलिए नहीं चलाते क्योंकि हम उनके लोग इन्फ्लुएंस ना हो जाएं, क्योंकि हमारे अब जो चैनल्स हैं वहाँ अभी भी एक थोड़ी सी एक उसमें एक लिमिट है, हम वी हैवंट गॉन, पाकिस्तानी औरत ने अभी अपने कपड़े नहीं उतारे, ठीक है? मेरा मतलब है कि इट्स स्टिल अ लिटिल हम एक जायजे में रहते हैं, बट हमारे घरों में बच्चा जो है वो हिंदी अल्फाज जरूर बोलना शुरू हो गया है, और आपने खुद ही कहा कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते इसलिए नहीं दिखाते। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आप जो अर्लियर ऑन कहा कि हमारी आइडेंटिटी है हमारी आइडियोलॉजी पे ही अटैक है कि हमारे आइंदा आने वाली नस्लों को अपना नहीं पता, इनको बाकी जो 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 वहाँ से आ रहे हैं वो उनको याद है। आप सोचिए एक प्ले चला यहाँ इंडिया का, जोधा अकबर, उसमें इतनी गलत हिस्ट्री थी,
ये नहीं कि आप मुगल बादशाह को दिखा रहे हैं, एक मुगल बादशाह वो भी अकबर, वो अकबर जिसने लाहौर के किले में एक जर्नैल ने गलती से उसके कंधे पे हाथ रख दिया, उसने एकदम उसका उठा के दीवार के ऊपर से नीचे फेंक के मरवा दिया, उस अकबर के बारे में कि एक बता रहे हैं कि एक लड़की जो है उसने तिगनी का नाच एक मुगल बादशाह को, तो जो आजकल के बच्चे जिन्होंने वो प्ले देखा होगा वो तो वही इसको हिस्ट्री समझेंगे। तो खुदारा आप रहम करें, जितने भी एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं इस मुल्क के, आई बेग यू कि खुदा के वास्ते आप ये ना करें, आप इस मुल्क की बुनियादों को हिला रहे हैं। ठीक है, इस मुल्क की बुनियादों को हिला रहे हैं जितने भी एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं और जो भारतीय इंडियन मवाद जो है वो दिखा रहे हैं। आशिर अजीम साहब, जिस तरीके से अब जरा इकदामात की तरफ आते हैं कि होना क्या चाहिए, अब हमने कहा कि जी पहले क्यों ख्याल नहीं आया, इतने अरसे से इंडियन मवाद दिखाया जा रहा है, इतने अरसे से आप कह रहे हैं कि DTH सर्विसेज के लिए इलीगल फंड्स जो है वो पाकिस्तान से इंडिया भी जा रहे हैं, चले अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, अब आपने कार्रवाई का फैसला किया है, लेकिन ऐसे वक्त में जब आपके साथ जो सलूक है वो हम जिक्र उसका बारहा कर ही चुके हैं, और फिर भारत जो है वो आपके बिला इश्तियाल फायरिंग जो है LOC पर वो भी कर रहा है, वो पहलू भी उसका हम इग्नोर नहीं कर सकते, होना क्या चाहिए? हुकूमती इकदामात का जिक्र किया गया, हुकूमत क्या करे दो टोक अल्फाज में कि जी ये हमारा फैसला है, हम मुकम्मल तौर पर बैन करेंगे, इंडियन मवाद नहीं दिखाएंगे, हमारे आर्टिस्ट नहीं जाएंगे, ये तो हुकूमती सतह पर फिर फैसले होने, आपकी नज़र में क्या करे हुकूमत? एक्चुअली क्वाइट सिंपल, मैं कई दिनों बैठ के लेजिस्लेशन पढ़ रहा था उन कंट्रीज की, जैसे साउथ कोरिया है, मलेशिया है, इन कंट्रीज ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह डेवलप की ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, एंड दे हैव डन, द व्हील हैज ऑलरेडी बीन इन्वेंटेड। उन्होंने किया क्या हुआ है कि जी एक कोटा रिजीम है फिल्म में, कि जी फॉरन कॉन्टेंट से 33% से ज्यादा हमारे मुल्क में नहीं आ सकता। आई थिंक बैन इज आउटराइटली बैड आइडिया। पेंडुलम की तरह स्विंग करते हैं, पहले एक एक्सट्रीम पे होते हैं फिर दूसरी एक्सट्रीम पे होते हैं। सो इसमें तीन चार मोटी मोटी बातें, एक तो जी एक कोटा रिजीम आप सेटअप कर दीजिए, दूसरे आपको टैक्सेस में उनको हायर टैरिफ पे लेके जाएं। इस वक्त फॉरेन कंटेंट, फॉरेन फिल्म अगर आप इस मुल्क में इंपोर्ट करें तो 5 रुपए मीटर उस पर ड्यूटी है, तो 100 मिनट पे 7,000 रुपए ड्यूटी देके वो फिल्म पाकिस्तान में आ जाती है, विच इज रिडिकुलस। आप अपने सिनेमाज को टैक्सेशन पे छूट दें, आप फिल्म इक्विपमेंट की इंपोर्ट्स पे टैक्सेस जीरो करें, आप एकेडेमिया और इंडस्ट्री का एक नेक्सस क्रिएट करें। मैं पहला ड्राफ्ट बना के लेजिस्लेशन का हुकूमत को पेश कर सकता हूं, आई वॉलंटियर टू डू इट। फिर आप सारे लोगों को बुला लें, अपने प्रोड्यूसर्स को भी, सिनेमा वालों को भी, एंड लेट्स देन अग्री एंड पुट इट थ्रू द नेशनल असेंबली, गेट इट थ्रू सेनेट, एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑन अवर वे। Yes. It is not a big science. We can do it within the coming 3 months. ठीक है, you can do it, but I don't know क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं। नदी मानवी वाला साहब, आपकी तरफ से क्या सजेशंस होंगी, क्या तजवीज़ होगी? जिस तरह आपने बैन का लफ्ज़ तो नहीं, आपने कहा इसको बैन तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो हुकूमत करती है, आशिर साहब ने बात कर दी कि जी वो अच्छा आइडिया नहीं होगा कि मुकम्मल तौर पर अगर बैन किया बात करें, तो ये जो सस्पेंशन है ये कब तक है, जब तक वाकई में हालात बेहतर नहीं हो जाते, मामूल पर नहीं आ जाते, या फिर ये जो एक शर्त हमने रखी है कि बराबरी की बुनियाद पर अगर इंडिया दिखा रहा है आपका मवाद, पाकिस्तानी चैनल्स, पाकिस्तानी शोज, तभी आप दिखा सकते हैं? देखिए, मैं दोनों चीज़ों को क्लियर करूं कि ये प्रोसेस जो रीबिल्डिंग का है वो तो ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ सिनेमा पे, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान के अंदर आपका म्यूज़िक टोटली अनरेगुलेटेड है, आपकी DVD इज़ टोटली अनरेगुलेटेड। और इन सारी चीज़ों से पहले जो अभी हम बातें कर रहे हैं कि इंटरनेट आ गया और आपको हर घर के अंदर चीज़ें मिल रही हैं, TV मिल गया, सैटेलाइट आ गया, इन सबसे पहले चले जाइए और एक चीज़ का ख्याल रखिए कि इंडियन कंटेंट आपने देखना कैसे शुरू किया था। जब 1965 से सिनेमा के अंदर इंडियन फिल्म आना बंद हो गई थी तो देयर वाज नो वे फॉर पाकिस्तान टू सी इंडियन कंटेंट। द फर्स्ट ब्रेक केम विद BCR, और आज तक वही जगह है जो कंप्लीटली अनरेगुलेटेड, अनलाइसेंस्ड है। आप अभी भी हम बैठ के बातें कर रहे हैं, हम TV की बातें कर रहे हैं, हम पेमरा की बातें कर रहे हैं, हम सब चीजों की बातें कर रहे हैं, हम सिनेमा की बातें कर रहे हैं, हम हर उस चीज की बात कर रहे हैं जो लेजिटिमेट और रेगुलेटेड है, बट जो सोर्स है उसकी अनरेगुलेटेड, उसकी हमने आज तक कभी ना बात की, ना मैं कभी किसी को देखता हूं बात करते हुए, कि उसकी कभी बात की ही नहीं जाती। आप इन सारी चीजों को बंद कर दें, वो खुली रहेगी,
और वो चलती रहेगी। तो जब वो चलती रहेगी और एक अनरेगुलेटेड चीज को आप खत्म ही नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं कि जी जब गवर्नमेंट ने उसको इजाजत दी हुई है तो हमें क्यों नहीं दे रही। तो ये कंफ्यूजन, हम अगर अपनी चीजों को प्रॉपर करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए बैलेंस करना बहुत आसान हो जाएगा चीजों को। लेकिन जब तक ये अनरेगुलेटेड चीजें चलती रहेंगी और इनको छूट मिलती रहेगी और ये जो कंफ्यूजन है ये आपके अपने अंदर है। फिर सलमान, मैं क्योंकि वक्त की भी किल्लत है, सलमान और फिर यूसुफ सलाहुद्दीन साहब से भी उनकी तजवीज इस हवाले से जो आज हमने डिस्कस किया है, सलमान आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए हुकूमती इकदाम? और फिर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जी रेगुलेटेड चीजों की तो बात कर रहे हैं, अनरेगुलेटेड पे तो आज तक बात ही नहीं हुई। सादिया, मैं समझता हूं कि इस वक्त ना ये बड़ी एक 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 चीनी जो लफ्ज है ना क्राइसिस का, उसके दो मीनिंग्स हैं, डेंजर खतरा और अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान के लिए ना मैं समझता हूं हमारे कल्चर के लिए एक बड़ी सुनहरी अपॉर्चुनिटी इस वक्त आई है, क्योंकि ये आपने रद्द अमल देखा कि जी के वो हमारे फनकारों से डर गए हैं, ठीक है ना, हमारे फनकारों से डर गए हैं और कह रहे हैं वापस पाकिस्तान। सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ फॉर अस। जी मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हमारे इस मुल्क में, पाकिस्तान में क्या सब कुछ है, टैलेंट है, हर फील्ड में टैलेंट है, इदारे स्ट्रांग नहीं है, इदारे मजबूत नहीं है। इस वक्त फिल्म, म्यूजिक, टेलीविजन, स्पोर्ट्स, ये हमारी 70% जो पॉपुलेशन है 20 की उम्र से कम, वो पाकिस्तानी कल्चर को देखना चाहती है, पसंद करती है। देखें, मैं दिल दिल पाकिस्तान, जज्बा जुनून, खुदी को कर बुलंद, अल्लामा इकबाल का पेश किया, और अभी तक ये जनरेशन सुनती है। क्यों सुनती है? क्योंकि ये इनके दिल के साथ धड़कते हैं ये जो सॉन्ग्स हैं। तो हमें जिस तरह नदीम ने बहुत अच्छा कहा, अनरेगुलेटेड एक आपने एनवायरमेंट दी हुई है, और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि अपने आर्टिस्टों को प्रोटेक्ट करें, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें, कि ये उनको जरूरत ही ना पड़े इंडिया जाने की। और इंडिया वाले भी देखें, मैं तो 18 साल से जा रहा हूं। मुझे इजाजत दें, मैं यूसुफ साहब आपसे लास्ट कमेंट ले लूं, और फिर क्योंकि सलमान ने जिक्र कर ही दिया दिल दिल पाकिस्तान का, और हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि हम अपने कल्चर को फरोग दें, तो वापस सलमान की तरफ आएंगे और उनसे कुछ दिल दिल पाकिस्तान कहेंगे। जरा सुना दें पहले यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे, आपकी तजवीज, लास्ट कमेंट। जी बिल्कुल, मैंने कहा सबने बड़ी अच्छी और सेंसिबल बातें की हैं, और इन द एंड यही है कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठें हुकूमत के साथ और मिलके पर फैसला करें कि भी क्या हमें करना चाहिए। देखिए, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1946 में जो उन्होंने एक स्पीच की थी BBC के लिए, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ऐसी दोस्ती हो जिस तरह की कैनेडा और यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो अनफॉर्चुनेटली ये हो तो नहीं सका, लेकिन हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उनकी विजन ये थी, उनकी सोच ये थी। सो बात ये है कि बिल्कुल, और उस विजन पे अब किस तरह से काम करना है, उसको आगे लेकर कैसे चलना है, ये हमारे लिए, हमारी कयादतों के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इक्वालिटी पे करो, क्योंकि आई हैव टू वाइंड अप हियर सलमान, आखिर में आपसे जी सलमान, दिल दिल पाकिस्तान उसी पे क्लोज करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी नदीम मानवी वाला साहब का, यूसुफ सलाहुद्दीन साहब का, आशिर अजीम साहब का और सलमान का भी। यूसुफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो भी बात की, सारों ने आपने जो बात की है बेसिकली हमारे दिल की बात है, लेकिन इस वक्त दिल दिल पाकिस्तान बनने के लिए पहले एहतसाब होना चाहिए, हर लेवल पे एहतसाब होना चाहिए। और मैंने एक सॉन्ग बनाया था, आपको पता नहीं सादिया, 1996 में जज्बा जुनून के साथ साथ एहतसाब एक सॉन्ग क्रिएट किया जो टीवी पे बैन कर दिया गया। जी, क्यों? क्योंकि वो जो अदारे स्ट्रॉन्ग करवाना चाहते हैं, वो चाहते नहीं है कि कल्चर जो है वो तनकीद करे, ये पावरफुल जो पिलर्स जो हैं, और कहते हैं आप इनको कह दें कि दीज पावरफुल माफियाज। तो मैं ये कहूंगा अब बनाइएगा एहतसाब, सब चलेगा, क्योंकि अब तो एक माहौल हमें एहतसाब का नजर आ रहा है। एहतसाब, 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 बोलो एहतसाब। मैं तो एहतसाब पहले होगा फिर दिल दिल पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों की तशरीफ आवरी का। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।